कि परमेश्वर भला नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो मन भाव नहीं है, जो कड़वा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर मीठा नहीं। आपकी लाइफ में वो नहीं हो रहा जो आपका फेवरेट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर भला नहीं है। आप बदल सकते अपने कड़वेपन को मीठे में उसकी आराधना करके, उसके नाम को ऊंचा करके, परीक्षाओं में परमेश्वर का थैंक्स करके, अपने बलिदानों के साथ। आमीन। आपकी लाइफ को मैं मीठा होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। कितने इस वचन को समझ चुके हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है अभी, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी गवाही, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर दूसरों की लाइफ में काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के ऊपर सवाल उठाएं, क्योंकि वचन कहता है वो विश्वास से प्रसन्न होता। मैंने एक बार नहीं देखा जब परमेश्वर जा रहे हो और कोई परमेश्वर को कह रहा हो जे तू जीऊंदा है तो आके मैनू चंगा करके दिखा, अगर तू जीवित है तो मुझे ठीक करके दिखा, मैं मान जाऊंगा। मैंने एक बार भी नहीं देखा जबकि यीशु मसीह रुके और अपने आप को साबित किया हो। लेकिन हाँ, जब लोगों ने पुकारा है हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, मुझ कुत्ते पे दया कर, जब उस औरत ने कहा कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं, जब उन्होंने परमेश्वर को विश्वास से प्रसन्न किया है, इसलिए बाइबल कहती है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, ना कि तेरे तानों और मेनों और अविश्वास। ताने और मेने देने से कुछ बदलेगा नहीं। मैं मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ। आपकी लाइफ में कोई गवाही पैदा नहीं है, जो है वैसा ही रहेगा। जैसी मेंटल लाइफ है, जैसे मन के सवाल है, वैसे ही रहेगा। ताने और मेने देने से कुछ बदलेगा नहीं, सब चीजें सेम सी रहेंगी, सिर्फ आपके मन का पीस ही है जो खत्म हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के फाटकों से धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो, स्तुति गाते उसके आंगनों में प्रवेश करो, थैंक्स गिविंग देते हुए उसके उसके उसकी हुजूरी में जाओ। तुम्हें सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सवालों से वो दुखी नहीं होने वाला या मूव होने वाला नहीं, वो तुम्हारे विश्वास से मूव होगा, तुम्हारे बीच से, प्रार्थना से, विश्वास से, तुम्हारे अड़े और खड़े रहने से गवाही होगी, ना कि तुम्हारे सवालों और तानों और मेनों से। इमेजिन करो, यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तो यूहन्ना ने कहा पिता प्रभु मैं तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं, तू मुझसे बपतिस्मा क्यों ले रहा है? परमेश्वर कहता धार्मिकता को पूरा करना उचित है, कि तू मेरा मेंटर है, मैं धार्मिकता को पूरा करूंगा। इमेजिन करो जीसस का एक ऐसा जन जो खास है, जब उसने ताने और मैंने दिए उसकी नहीं सुनी गई तो तुम और मैं क्या हूं? इतने मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो पास्टर्स करते हैं, जो विश्वासी करते हैं। अपनी लाइफ में वो परमेश्वर के चिन्हों को देखते हैं, परमेश्वर को काम करता हुआ देखते हैं, लोगों की लाइफ में परमेश्वर के कामों को देखते हैं, और फिर एक दिन जब उनकी लाइफ परीक्षा में जाती है तो सवाल करने लगते हैं परमेश्वर से। और वही वो समय होता है जब परमेश्वर डिसाइड करता है कि तेरी जिंदगी में आगे लेके जाऊंगा या यहीं पे बस। जब आप मसीह में आए थे तो कैसे विश्वास के साथ हमने प्रभु को ग्रहण किया, कैसे विश्वास के साथ चले, लोगों से लड़े, परिवार से लड़े, अपने आप से लड़े, अभिलाषाओं से लड़े, शैतान से लड़े, और हमने पाया। तो जो रूल लड़ाई का पहले था, 20 साल बाद भी वही रूल है, 10 साल बाद भी वही रूल है, 5 साल बाद भी वही रूल है। आपको फिर विश्वास दिखाना है, फिर शैतान से लड़ना है, फिर अपने आप से लड़ना है, अपने अभिलाषाओं से लड़ना है, और परमेश्वर आपको वही विक्ट्री देगा जो उसने अपने आपको पहले साल दी थी, वही जीत फिर देगा जो आपको दूसरे साल दी थी। वो बदला नहीं है, उसका रूल बदला नहीं है, आत्मिक रूल बदले नहीं है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो कुड़कुड़ाना नहीं, सवाल नहीं करने, बल्कि थैंक्स करना है, विश्वास दिखाना है, खड़े और खड़े रहना है, ताकि तुम गवाही के साथ वापिस आ सको। आमीन। खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया।
हालेलुया। अपनी लाइफ का, अपने जीवन का सब कुछ परमेश्वर को देना है हमें, और जो कुछ हम परमेश्वर को देंगे उस पे आशीष रहेगी। हम सब चर्च आते हैं, हाँ जी हाँ जी, अच्छा हम सब चर्च आते हैं जी। हमारा एक बेटा नहीं आता, वो बहुत पढ़ता है, पढ़ता लिखता बहुत है, घर पे रहता है, पढ़ाई करता है। जीसस के पांव पे जब इत्र उंडेला गया तो चेलों ने कहा इसको 200 दिनार में बांटा जा सकता था। जीसस ने कहा नहीं, जो कुछ मुझ पे उंडेला गया वो व्यर्थ कभी नहीं जाए। अब इसके बाद जहां जहां सुसमाचार सुनाया जाएगा वहां वहां की जाए। अब उन मेंबर्स को घर छोड़ के आते, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में सब चीजों को नहीं लाते उन पे बरकत नहीं रहे, परमेश्वर का हाथ उन पे नहीं रहे। हम अपनी लाइफ में कुछ भी करें, बड़े बिजनेस करें, बड़ी पढ़ाइयां करें, बड़ी सेवकाइयां करें, लेकिन परमेश्वर की हुजूरी में जब आने का समय हो हमारा पूरा परिवार यहां होना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारी लाइफ धर्मी है और वचन पे खड़ी है तो परमेश्वर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज लोगों की लाइफ में देखता है कि मैं किसको दूं। जब यूहन्ना और उसकी जो उसका बाप था जकरिया और उसकी पत्नी एलीशिबा जब धरती पे चल रहे थे, उनको मालूम नहीं था कि परमेश्वर क्या सोच रहा है। क्या वो समय आ चुका जब जीसस जाएंगे, अब समय आ चुका है जब यूहन्ना जाएगा उससे पहले, तो वो उनको मालूम नहीं था। वो तो जस्ट परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। जब आप और आपका परिवार पूरी तरह से डेडिकेट होते हैं, आप परमेश्वर के भवन में, आप परमेश्वर के कामों के लिए पूरी तरह से डेडिकेट होते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको देना चाहता है। लेकिन लोगों को कभी मालूम नहीं हो सकता परमेश्वर के दिल में क्या है, लेकिन वो धरती पर जब देखता है और ऐसे सूटेबल आदमी और परिवारों को देखता है जिन्हें वो ग्लोरी और महिमा दे सके, वो देता है। आज भी उसकी योजनाएं खत्म नहीं हुई। उसकी योजना यूहन्ना देने की थी, आज उसकी योजनाएं अलग हैं और कोई चीजें देने की हैं। वो ग्लोरियस हैं, महिमा में हैं, सामर्थ्य हैं, बड़ी हैं, लेकिन वो आज भी सूटेबल मेन एंड वुमेन को ढूंढता है जिनकी लाइफ में वो दे सके सारी चीजें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो।